हेलो बच्चों। बेटा, जैसा आपको पता है, आज हमारा डिविजिबिलिटी का टेस्ट होना था। आज का जो टेस्ट है वो 21 मार्क्स का है। सबसे पहले टेस्ट को शुरू करने से पहले आप जो है अपना नाम लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे और इस नंबर पर टेस्ट को करने के बाद सेंड कर देंगे। देखिए, सबसे पहले टेस्ट को थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा ना हो कि आपको समझ में नहीं आए। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, ये 5824 स्टार, जैसे हमने जो वहां पर क्वेश्चन कराए थे उनमें क्या था कि जो संख्या थी उसकी जगह एक्स हुआ करता था, अब की बार इसमें इसकी जगह स्टार लगा दिया, तो हमें स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, और वो भी छोटे से छोटा। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 2 3 अंक आ सके, तो हमें उसमें से ढूंढना है कि वो छोटे से छोटा अंक कितने नंबर का, कौन सा है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो 3 मार्क्स का है। सॉल्व करके दिखाना है, डायरेक्ट आंसर अगर लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको। इंग्लिश में भी लिख दिया इसी को कि कंप्लीटली डिविजिबल हो रहा है हमारा किससे, 8 से। हमें स्टार की जगह क्या नंबर आएगा, बस केवल अंतर यह है कि जो मैंने वहां क्वेश्चन कराए थे उसकी जगह एक्स लिखा हुआ था, अब जो है यहाँ पे स्टार लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए क्या दे रखा है इसमें। एक्स का वह छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिसमें ये जो 5x6, अब की बार दो स्टार की जगह हमने क्या लगा दिया, एक्स लगा दिया। डिविजिबल किससे है, 9 से, पूर्ण रूप से डिवाइड हो रहा है वो, तो हमें ढूंढना है एक्स की क्या वैल्यू होगी, वही सिंगल डिजिट में ढूंढना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन भी हमारा 3 मार्क्स का है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो है हमारे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ए बी सी डी इस तरह से पार्ट दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कितने मार्क्स का है, 15 मार्क्स का। इसके अंदर मतलब 5 पार्ट्स हैं हमारे, हर पार्ट्स 3 मार्क्स का है, तो टोटल 15 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है हमारा है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन सेम है, अब क्योंकि बार बार लैंग्वेज ना लिखनी पड़े इसलिए मैंने क्या किया है, ये एक नंबर दे रखा है। अगर ये पूरी संख्या जो है हमारी 11 से डिविजिबल है तब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब फिर देखिए नेक्स्ट, ये संख्या 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तब एक्स की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सी वाला, अगर ये संख्या हमारी, अब इस वाली संख्या के अंदर 2x आ रहे हैं हमारे, तो ध्यान से करना है इसको क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। यदि डिविजिबल बाई 3 है तो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। इसमें ऐसा भी हो सकता है एक्स की 2 वैल्यू निकले, 3 निकले, 5 निकले, 1 निकले, एक भी निकल सकती है। ठीक है, तो वो सभी वैल्यूज आपको लिख के देनी है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सारी वैल्यूज ढूंढनी है। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 है, तब एक्स की क्या वैल्यू होगी। इसमें ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18 है, मैंने कंपाउंड डिविजिबिलिटी करा रखी है उसमें, ये कंपाउंड डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है हमारा, एक्स की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है, तो 7 3 21 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 5 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 7 हो गए। तो उन 7 क्वेश्चंस को करने के बाद आपको मेरे मोबाइल नंबर पर भेजना है। मोबाइल नंबर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, तो ध्यान से करें क्वेश्चंस जिससे गलती कम से कम हो। थैंक यू। लेकिन नीचे कपड़े यहाँ पर तो